सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोपहर का 3 बज रहा है। 2 बजे एक व्लॉग एंड किया था और उसे 1.5 घंटे में एडिट करके पोस्ट कर दिया है। सो अपने आप लाइव हो जाएगा रात के 8 बजे, क्योंकि हमें तो ना आज दो दो ट्यूशन चालू करनी है ना। पहली पढ़नी है फिजिक्स की, जो कि है 5:30 से 6:30, और दूसरी जो है वो है बायो की 6:30 से 7:30। तो कहीं जाके 8 बजे कहीं घर पहुंच पाएंगे तो फिर कैसे व्लॉग आ पाएगा। इसीलिए जो है अब दोपहर में ही एडिट करके पोस्ट करना होगा। आज तो कर दिया, आज स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन जब स्कूल भी कल से जाएंगे और ये भी करेंगे तब पता नहीं यार कैसे हो पाएगा सब। 5 बजने जा रहा और हमारी चाय आ चुकी है, और आज चाय के साथ बनी है घुइया के पत्तों वाली पकौड़ी। ये वही पत्ते हैं जो हम अपने गाँव से लेके आए थे। तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और चलते हैं ट्यूशन। फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, और मम्मी आज 2 कोचिंग है, ठीक है, 1:30 से 6:30, 6:30 से 7:30। जय भोले बाबा की। गाइज अभी 5 मिनट हैं, सर जो हैं अभी दूसरा बैच पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा लेंगे तब हम लोग जाएंगे अंदर। सो गाइज फिजिक्स की कोचिंग अभी पढ़ चुके हैं और अब जो है बायो 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 की कोचिंग पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ नहीं आता इस सज्जन को, क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। आपको आता है पढ़ना? क्या आता है बताइए, क्या बताएं। नहीं आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको पता होगा ना सर ने क्या पढ़ा है इतने दिनों में, बताइए आप, बताइए आप। अब जा रहे हैं। आप बोल, आप बोल ना मैं। सो यार आज बायोलॉजी की कोचिंग पढ़ी और सर जो थे ना बहुत ही ज्यादा मस्त थे, बहुत ही ज्यादा। चलो यार यहाँ पे केले ले लेते हैं। केले कैसा भैया, केले कैसा? 40 रुपए दर्जन। तो फाइनली हमने 1 दर्जन केले ले लिए हैं। चलो अब चलते हैं सीधे घर। यार पुलिस बहुत ही ज्यादा लगी है, ये देखो कितनी ज्यादा पुलिस लगी हुई है यहाँ पे। तो फाइनली गाइज 8:02 हो रहा है और अब जाके कहीं हम घर पहुंच पाए हैं। पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है। 8 बज गया तो ब्लॉग भी लाइव हो चुका होगा, होपफुली आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो। चलो भाई थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। अभी थोड़ी देर से हम लोग आराम कर रहे थे और ये देखिए गुनगुन भाई, समझ लो अब जो है हम मिले हैं 24 घंटे के बाद। आज सुबह ये तो स्कूल चली गई थी और उसके बाद जब ये स्कूल से आई 2 बजे ये सो रही थी, उसके बाद हम ट्यूशन चले गए। तो समझ लो हम लोग 24 घंटे बाद मिले हैं एक घर में रहने के बाद। बिजी लाइफ गाइस, मतलब कि समझ लो कितनी ज्यादा बिजी लाइफ है हम लोगों की। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वैसे कर क्या रहे थे तुम, फोन चला रहे थे? ये नहीं मानेंगे, सागर दादा आ ही रहे होंगे। अभी चलाया था सुबह से। सागर दादा का नाम ले लो, फोन चलाती बस इसके धक 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 होने लगता है। एक ही इंसान से डरती है वो है सागर दादा, उसके अलावा किसी से नहीं, और थोड़ा बहुत मेरे से, बाकी घर में किसी से नहीं है ना। नहीं नहीं, देख रहे सबसे नहीं डरती है सागर दादा, देख रहे हैं। डरती नहीं है सागर दादा से? डरते हैं हमसे और बाकी किसी से नहीं डरती हो? ठीक नहीं डरती हो, हमें पता है। चलो ठीक है, चल हट चल, देख जाके जा गंज जा फोन में। गाइस ये फोन चला रही थी, ठीक है सागर दादा ये भी देख रहे हैं, देख लो दादा फोन चला रही है ये। बहन डर गई। अब जब सागर दादा आएंगे तब तुम्हें बताएंगे गुनगुन। लो अब तुम, हम तो व्लॉग एडिट करते हैं, तुम्हारी तरह खली हम थोड़े नहीं शॉर्ट्स देखते रहते हैं खाने पीने वाले। तुम तो खाली दिन भर खाने पीने वाले शॉर्ट्स देखती हो, जिसमें कहीं पाव भाजी बन रही, ये बन रहा, वो बन रहा, उसे देख के तुम्हारा पेट भरता है। तो भाई अभी जो थे खाना खाया था घर में, और उसके बाद याद आया कि रुपए निकालने थे और हम भूल गए थे। तो अभी खाना खाने के बाद पैदल पैदल आगे रुपए निकालने के लिए, और पता है एटीएम का एसी चल रहा और गेट खुला था, सारी हवा बाहर निकल रही थी। चलो जल्दी से रुपए निकालते हैं और चलते हैं घर। आगे वाला तो गेट बंद हो गया, तो पीछे वाले से जाना होगा। ये देखो गई मेरी वॉच, ये जो है इसकी स्क्रीन जो है पूरी जा चुकी है। अरे ये काम पता किसका है, मम्मी का। ये जो स्क्रीन इसकी तोड़ी है, ये तोड़ी है हमारी मम्मी ने। हम ट्यूशन से आए, हमने वॉच निकाल के रख दी, तब तक उसमें सही टाइम था, और मम्मी का दुपट्टा रखा होगा तो मम्मी ने ऐसे दुपट्टा खींचा कि मेरी घड़ी जो है चाट से गिरी जाके। और उन्होंने ये बात हमको बताई भी नहीं, वो हम जब अभी ATM रुपये निकालने गए थे तब हमने ऐसे करके देखा, तब पता चला कि वॉच जो है टूट चुकी है। और बाद में जब अभी घर आके पूछा तो कह रही हाँ हमसे टूट गई। यार मतलब कि इस वॉच को मैंने, सही बताऊँ, बड़ी मुश्किल से रुपए जमा करके इसको ख़रीदा था। खरीदना चाहूँ ऐसे तुरंत अभी मंगा सकता हूँ, पर यार इस वॉच ये जो टूट गई है ना, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है।
अभी स्क्रीन चल तो रही है बट देख रहे हो इधर वाली तो पूरी इतनी ख़राब हो गई है। आज पता नहीं मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। अभी एक नॉइस फिट कौन सी वो नॉइस कलर फिट 2 रखी हुई है, वो बिल्कुल रखी हुई, उसे पहना ही नहीं हमने, सिर्फ 2-3 बार पहना हुआ है, वो रखी हुई है। पर इससे ज़्यादा प्यार था मैं यार, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले था ना वो फुल था। इसमें ना आराम से फ़ोन से कनेक्ट होकर बात भी हो जाती थी। इसमें स्पीकर सब कुछ था, और किसी स्मार्ट वॉचों में जो है ना ऐसे स्पीकर होता नहीं, खाली एप्पल वाली में ही है। गाइस ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं यार, अगर तुम लोगों को पता हो कहीं ये स्मार्ट वॉचेस सही होती हो तो यार बता दो यार। बात इसको सही कराने की नहीं, बात यह है कि हमें इस वॉच से प्यार है, एक तरीके से समझ लो। इसे ऐसी हालत में देख नहीं सकते यार कहीं पर भी। अगर स्मार्ट वॉचेस सही होती हूँ, वैसे होती तो नहीं है पर क्या पता होती हो, तुम लोगों को पता हो प्लीज़ यार बता दो अगर कहीं होती हो। ये जो वॉच है ना ये इसी के बल ऐसे गिरी है, तभी जो है इसकी ये साइड वाली स्क्रीन यार चली गई। ये जो है शायद 99 नंबर वाला हमारा डेली व्लॉग है, तो यानी कि कल जो होगा हमारा 100 व्लॉग होगा, 100 डेली व्लॉग। हम ये यहाँ पे शूट कर रहे थे, ये सुन के यहाँ गई। तुम तो सो रही थी, हैं जग गए। इसका काम करना, इसके रुपए जो है मैं अपनी मम्मी से दिलवाना, मम्मी से बोलना इसके रुपए दो। तुम्हें क्या लगता है देंगी रुपए या नहीं देंगे? काहे तुमने मेरा चश्मा तोड़ा मम्मी? तो अरे तब भी अपने पैसों से ये सब सारी चीज़ें मंगाई थी, या तो खुद मंगाया करो तब तोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर चश्मा नहीं तोड़ा था तुमने? चश्मा तोड़ा था, चश्मा तुमने तोड़ा, घड़ी मम्मी ने तोड़ी, तो बचा ही क्या, फ़ोन बचा, वो भी फ़ोन भी याद करो। जब ने कहाँ टूटा फ़ोन? और तोड़ा थोड़ा नहीं, वो तो बस गिर ही गया था ऐसे साइकिल व्लॉगिंग करते करते। यार कुछ करो यार जुगाड़, इसको सही कराओ। मम्मी से रुपए लेने हैं 4,000 रुपये। दिला पाओगी रुपए या नहीं दिला पाओगी? दिला पाओगी? अगर नहीं दिला पाए, दिला पाए तो बस मेरे और उसमें और क्या, दिला पाए तो क्या, ये यही तो बात हुई। चलो जाओ रुपए। मम्मी अभी तो सो रही है ना, शायद सो रही, जाग रही हैं, सो रही हैं, तो कल सुबह तुम्हें हमें रुपए दिलाने हैं। कल तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल तो हमें भी जाना है, तो क्या रुपए नहीं दिलाओगे? ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, गुनगुन जो है हमें कल रुपए दिलाएगी मम्मी से। वैसे मम्मी से हमने बोला था, मम्मी बोली थी हाँ ठीक है दे देंगे, अब वो देखो वो तो पता चलेगा कि देंगी या नहीं देंगी। गाइस अब जो है हम सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है स्कूल जाना है, जल्दी सोना होगा। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी ही आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ क्या क्या है? क्या क्या खलिया में खलिया में रही हो? गुस्सा कौन हो रहा है? क्या क्या ये क्या ये है क्या? मतलब तुम करना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं करना चाहती। अपना ये एलियन जैसा तुम जो शरीर है और शक्ल है, इसे जाओ लेके जाओ, इसे पड़ जाओ जमीन में, सो जाओ जाके जमीन में नहीं। हाँ बेड पे, बेड पे जाओ, बेड तो यही है, लो सो जाओ, बैठी का हो। अभी नहीं, कब सोगी? 12 बज गया है, कब सोगी? स्कूल नहीं जाना सुबह? जाना है। तो जा सो जाके। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। एंड कर चुकी हो व्लॉग, कितनी बार करोगी?